ਸਾਡਾ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਓਰਿਜਨਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੁਰਸੀ ਛਿਨ ਗਈ ਪੜਾਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਿਸ ਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬੇਦਾਗ ਛਵੀ ਹੈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਬਾਤ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਅਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ आज हम पहुंचे हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जहां पे हमारे साथ हैं अलका लांबा जी जो कि एआईसीसी की पंजाब की मीडिया प्रभारी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ विभिन्न मुद्दों पे उनसे बातचीत करते हैं। तो मैडम ये बताइए कि कांग्रेस की संभावना किस तरह से देखते हैं आप इन चुनावों में? देखिए कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है और एक स्थिर मजबूत सरकार हम देने जा रहे हैं उसका कारण है 111 दिन में जो लास्ट पारी थी जो चौके और छक्के चन्नी जी के नेतृत्व में पंजाब में लगे हैं उससे पंजाब की जनता बहुत खुश है फील कर रही है लोका दी सरकार चन्नी दी चंगी सरकार रही 111 दिन वो सरकार नू और दोबारा वेखना चाहते हैं ये ने। तो कांग्रेस का जो मुकाबला आप मेन किससे देखते हैं कौन सी पार्टी को अपना मेन कंपटीटर मानते हैं बिकॉज इट्स अ मल्टी contest this time now. देखो जी साडा ना भाजपा नाल मुकाबला ना भाजपा दी बी टीमां नाल मुकाबला कोई ओरिजिनल टीम नहीं हैगी ये कैप्टन साहब पूर मुख्यमंत्री रहे कुर्सी छिन गई पड़ास निकाल के बीजेपी दे कोल चले गए अकाली दल जिहड़े बीजेपी दे नाल सी अज बी टीम ही हैगी है सब नू पता हैगा विखाण वास्ते अलग ने पर इक्को हैगे ने मजीठिया नू किन्ने बचाया सब जानदे ने किन्ने छुपाया फिर है सब जानदे ने पंजाब विच आंदिया नाल ही जो बेल मिलन तो बाद आए तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा चक रहे तो पता है किस शर्ता से उन्होंने जोड़ा है मदद दिल्ली तो दिती है। तीसरी है आम आदमी पार्टी सबन पता है दिल्ली के उपर उन्होंने किस तरह के शिकंजे कसे गए अज तुम असी दिखाया है कि आई टी सी बी आई की इन्हों की रेड हुई उन्होंने उस तो बाद जोड़ा है अज उन्होंने लगता है कि इतने केजरीवाल के कंध्या से असी जो कांग्रेस का सैकुलर वोट है उन्होंने वंड सकते हैं कांग्रेस एकजुट हैगी ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਿਸ ਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੇ ਭਾਂਜੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਈਡੀ ਕੀ ਰੇਡ ਪੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੇਡ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਦੇਖਿਏ ਭਾਂਜੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਤੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਥੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠੇ ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ इसको रेते से जोड़ा जा रहा है सच्चाई ये है कि 2018 में जो एफआईआर हुई थी जो कैप्टन साहब ने ही की थी उसमें जिनके नाम हैं उनके उनके ऊपर कोई रेडी नहीं है क्योंकि सबूत ही नहीं थे ये 2018 की एफआईआर है रेते के ऊपर नाम जिसके भी है उस पर कार्रवाई नहीं क्योंकि सबूत नहीं है ना जिसपे कार्रवाई की है उसका इस एफआईआर से लेन देन ही नहीं है और उसको मुख्यमंत्री के साथ जोड़कर देखना साफ सी बात है एक अपनी भड़ास है हम बता रहे हैं क्या भड़ास है भाजपा की कि प्रधानमंत्री जी यहां पर उल्टे पांव जाना पड़ा क्योंकि लोग ही नहीं उनको सुनना चाह रहे थे किसानों में उनको लेकर रोष था किसानों को लेकर तो इसलिए अपनी भड़ास उतार के पंजाब को बदनाम करके कि जिंदा लौट के जा रहा हूं चन्नी का धन्यवाद कर देना जब वो बात नहीं टिकी तो आज ईडी का इस्तेमाल कर रहे और पहली बार नहीं कर रहे हैं आप कह रहे रेड पड़ी याद करिए मद्रास चेन्नई का तमिलनाडु का चुनाव याद करिए बंगाल का चुनाव याद करिए महाराष्ट्र का चुनाव चुनावों के बीच में अपने चुनावी हथियार जो केंद्र के हैं आईटी ईडी सीबीआई को भेजो विपक्ष को उस चुनाव के 15-20 दिनों में इतना घेर लो और अपनी सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले जाओ ये तीन राज्यों में तो हुआ नहीं ना तमिलनाडु में ना बंगाल ना महाराष्ट्र में जिनके ऊपर इन्होंने रेड पड़ाई जनता ने जवाब दे दिया आज पंजाब का चुनाव के बीचों बीच आप अपनी भड़ास इस तरह से निकाल रहे हैं आप बदनाम कर रहे हैं मुख्यमंत्री को और वो मुख्यमंत्री अकालियों के मजीठिया की तरह भागा नहीं फिर रहा छुपा नहीं फिर रहा बेल के लिए वो सारे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिए और जवाब जनता को दे रहे हैं हम कोई जवाब भाजपा आम आदमी अकालियों को किसी को नहीं दे रहे मुख्यमंत्री है जनता का है सवाल हो रहे हैं आरोप लग रहे हैं बेदाग छवि है लड़ रहा है लोगों के बीच में अपनी उसने कल बात उन्होंने रखी है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये बकलाहट है इनको मालूम है ये हमारी चन्नी जी की सरकार हो
या मुख्यमंत्री नवजोत सिद्धू जी फ्रंट पे खेल रहे हैं, चौके चक्के लगा रहे हैं, जनता खुश है और ये सब हताश निराश होकर इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जी मैम, एक कांग्रेस अभी अपना दलित चेहरा जो है एक बड़ा अच्छा कदम उठाया था कांग्रेस ने, लेकिन अब जो एक मुख्यमंत्री के लिए भागम दौड़ हो रही है आपस में पार्टी के अंदर, उसको लेके आप किस तरह से देखते हैं कि क्लियरली क्यों नहीं हम दलित चेहरे को द्वारा डिक्लेयर कर पा रहे हैं? देखिए, आज की सच्चाई क्या, कौन है मुख्यमंत्री? चन्ने जी है, सबको पता है। और मुख्यमंत्री तो कोई बदल नहीं रहा अभी, है ना। अब जो कुछ भी है जनता को तय करना, चुनाव आ चुके हैं, जो पार्टी ने फैसला करना था, जब कैप्टन साहब ने कहा मेरा अंतिम चुनाव है, उसके बाद वो लड़ना नहीं चाहते, पार्टी ने अपनी टीम का कप्तान बदला, उस कप्तान ने अच्छी पारी खेली, अब चुनाव में जा रहे हैं, अब जो फैसला है वो जनता करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मुख्यमंत्री चन्नी जी हैं, उनके कामों पर जा रहे हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, संगठन उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, सरकार उनके नेतृत्व में अपने कामों को बताएगी और हम वापसी करेंगे, ये यकीन है। पार्टी में दो राय जरूर है, लोकतंत्र है, कोई लड़ाई कोई विवाद नहीं है, लोकतंत्र है, सुझाव है, चेहरे के साथ जाए, कामों के साथ जाए, विचार हो रहा है, समय पर पार्टी फैसला ले लेगी। आपने कांग्रेस और आप दोनों की विचारधारा देखी है, तो आपको दोनों की विचारधाराओं में जो है किस तरह का फर्क नजर आता है? देखिए, आम आदमी पार्टी में मैं रही हूँ विधायक, तो उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी कमजोरी ताकत सब मैं बहुत बेहतरी से जानती हूँ। एक बहुत डरा हुआ इंसान है, असुरक्षित, कुर्सी ना चले जाए। जो पार्टी कहती थी कि पार्टी में लोकतंत्र है, चुनाव होगा, कन्वीनर एक साल से अधिक नहीं रहेगा, वो 2012 में जो पार्टी बनी, 22 तक एक ही 10 साल से कन्वीनर, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री कौन है? एक पद एक पार्ट आदमी की बात थी, उसी के पास कन्वीनर, उसी के पास मुख्यमंत्री है। अब वो दिल्ली से चाहते हैं कि पंजाब की चाबी भी अपने पास रखे, कंट्रोल रखे, तो पंजाब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहता जो गाड़ी तो चलाए लेकिन उसको डायरेक्शन लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, दिल्ली से बताया जाए, वरना उसकी गाड़ी खड़ी रहे। और लोग ऐसा भी नहीं चाहते कि ऐसे के हमने स्टीयरिंग दे दें, जिसके हमने केजरीवाल ने दे दी है, लेकिन पंजाब वाले नहीं देंगे कि सात वाली सीट पर मान लीजिए आप बैठे हो, आप ऐसा ड्राइवर चाहेंगे जिसपे आपको डर लगा रहे कि ये कहीं गाड़ी ठोक ना दे, एक्सीडेंट ना करा दे, मुझे सुरक्षित मंजिल पे पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा? तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर लोगों में ये डर है कि ये गाड़ी ठोक तो नहीं देगा, ये मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएगा नहीं, डर के सहमे हुए बैठे रहेंगे। पंजाब ऐसा नहीं चाहता, पंजाब चाहता है कि बिल्कुल हम अपनी पंजाब की जो कमान है, गाड़ी की स्टीयरिंग ऐसे आदमी को सौंपे, ऐसी पार्टी को सौंपे जिस पे पूरा विश्वास रहे। और वो 111 दिन में साबित करा है कि पंजाब रिलैक्स करेगा, उसको सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस और उसका नेतृत्व ही कर सकता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।